नमस्कार दोस्तों, तकरीबन हर इंसान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। रात दिन मेहनत करना, ऑफिस में ओवरटाइम करना और व्यापार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करना। बहुत से लोग इस प्रयास में कामयाब भी होते हैं, मगर कुछ मेहनती लोगों के हाथ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई खास कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के लिए फेंग शुई में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। फेंग शुई में इसके लिए एक पौधे को घर में रखने के लिए कहा गया है। यह पौधा आपके घर में रहने वालों की सोच को सकारात्मक बनाता है और कहा गया है जिस भी घर में यह पौधा रहता है उस घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। यह पौधा धन को चुंबक की तरह आपके घर में खींचता है और दरिद्रता को आपके घर परिवार से कोसों दूर करके वैभव और सुख प्रदान करता है। इस पौधे को क्रासुला के नाम से जाना जाता है। इसका तना काफी मोटा होता है और कई सालों तक बिना किसी विशेष देखभाल के जीवित रह सकता है। इसकी पत्तियां चमकदार, नरम और हल्के हरे कलर की होती है, जो शुरुआत में जाड़े ग्रीन कलर की होंगी और कुछ समय बाद ब्राउन या वुडी कलर की हो जाती है। यह पौधा बिना किसी खास देखभाल के एक छोटे पॉट में भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर इसे थोड़े बड़े गमले में लगाया जाए तो यह बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें जल्दी विकसित होने के गुण होते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश में ही रखना चाहिए। इस पौधे को एक बार पानी देने के बाद गमले की मिट्टी पूरी तरह सूख जाने के बाद ही दोबारा सींचना चाहिए, अन्यथा इसकी बढ़ोतरी रुक जाती है और सर्दी के दौरान तो इसकी मिट्टी को नम रखना ही काफी रहता है। फेंग शुई के अनुसार इस पौधे को घर के मुख्य द्वार के और घर के उत्तरी भाग में दाईं तरफ लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में ईथेर का तेल होता है और ईथेर के तेल में यह गुण होता है कि यह अपने आसपास रहने वाले लोगों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। इस पौधे में ऊर्जा को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, इसलिए यह पौधा जहां लगा होता है वहां विकास के नए नए रास्ते बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह उपाय करके जरूर देखें और इसका चमत्कार देखें।